ये नखत्राना इस तरफ है, निरोना इस तरफ है, वांग वंग सीधा, तो इसी रूट से जा रहा हूँ। ये यहीं से रास्ता जाता है और वो नखत्राना का रोड से पकड़ोगे तो दिन उधर आएगा। पूरे रोड टूटे हुए हैं, मुझे किसी ने ऐसा बताया कि 15 किलोमीटर तक ऐसे टूटे फूटे रोड होंगे, उसके बाद मेन रोड आएगा। लेट्स सी। मेरा सामने थान जागीर, तो मैं जाता हूँ अंदर। जो मेरे बैक साइड में यह है थान जागीर और मैं जाऊंगा अभी अंदर। ये ऐसा एक व्यू है यहाँ पे, तो मैं जाता हूँ अंदर। मैं यहाँ पे थान जागीर में हूँ और मेरे साथ है मिस्टर हीरजी वाघेला, जो मुझे बताएंगे इस जगह के बारे में। ये थान जागीर है, दादा धर्मनाथ जी का स्थान है। दादा ने यहाँ पे तपस्या की हुई है, जो दिनोदर डूंगर है वहाँ पर 1200 साल तपस्या की हुई है। 1200 साल जी, सब बोलते हैं 12 महीना की है, लेकिन 1200 साल की है। फिर वहाँ से तपस्या की है बाबा जी ने, और पीछे की तरफ जो रण है वो समुंदर था पहले। जब बाबा जी ने तपस्या करके आंखें खोली ना, तब वो सब रण बन गया है। तो फिर उनसे पाप हो गया वो, तो उन पाप का पश्चाताप करने के लिए वो इधर धूणा इधर आए और उधर धूणा चेतन किया। फिर आजू बाजू में जितने 7 गाँव हैं, इतने 7 गाँव लगते हैं, उनका सबका भंडारा किया, मतलब उनका खाने पीने का प्रबंध किया यहाँ पर। और ऊपर आकाश मार्ग से देगे जा रही थी 4, उन देगों को यहाँ उतारा है बाबा जी ने। और सबको पूछा आपको क्या क्या खाने के लिए चाहिए, सब ने अलग अलग वेराइटी, सब अलग अलग आइटम मांगी है। तो थाली खोल के जो जो भी मांगी जिसने वो मिला, और सबको ऐसा मिला। तो ये दादा धर्मनाथ जी का स्थान है यहाँ पर, और वो उनकी समाधि कहीं पर भी आपको देखने नहीं मिलेगी। उसके पगले दिखने मिलेंगे, लेकिन उसकी समाधि कहीं नहीं मिलेगी। वो अभी उनके कई रूप है, अलग अलग रूप है। यहाँ बोला जाता है 1400 साल पुरानी ये जागीर है, 1200 साल उन्होंने तपस्या की भी है। और वो उस तरफ जो आप बोल रहे हो, वो जो शिवलिंग जैसा आपको सब दिख रहा है ना, हाँ। वो पूरा इतना साल के यहाँ पर कितने भी साधु संत आते हैं, कोई देव हो जाते हैं, तो उनकी वहाँ पर समाधियाँ लगाते हैं, और समाधि के ऊपर शिवलिंग बिठा दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ से जाने का रास्ता, यहाँ से इधर से जाने का रास्ता ये, तो दरवाजे से आप ऐसे मुड़ोगे ना राइट लेफ्ट राइट की साइड में, तो वो वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये मंदिर का नाम,
इस मंदिर का नाम है डाडा धर्मनाथ का स्थान, ये थान जागीर है। थान जागीर जी, पहले बाबा जी ने दिनोदर डूंगर के ऊपर तपस्या की हुई थी एक सुपारी पे 1200 साल, पग ऊपर और सिर नीचे रख कर। ठीक है, सो गाइस दैट वाज द हिस्ट्री। तो मैं इसके दूसरी तरफ जाता हूँ और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, सो आई विल मूव आउट। ये रही समाधि, और ये है बाबा जी का पुराना घर बोल सकते हैं हम, यहाँ पे रहते थे वो पहले। और ये सब समाधि है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ये महल की तरफ जाता हूँ, या जो छोटा सा फोर्ट है इसकी तरफ जाता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ ये छोटे से फोर्ट की तरफ। ये है समाधि यहाँ पे सारी, और ये पुराना छोटा सा फोर्ट है, गढ़ बोलो इसको। यहाँ पे बाबा जी रहते थे, मुझे भैया बता रहे थे कि यहाँ पे 900 साधु रहते थे पहले। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट ये मुझे ऐसा मुझे पता चला है। तो मैं देखता हूँ क्या है इसके अंदर। अभी पूरे यहाँ पे रूइंस हैं, और ये रूइंस के पीछे उस तरफ है मंदिर, और ये है मॉनेस्ट्री, यहाँ पे समाधि। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। पीछे है दिनोदर हिल्स, काफी पुराना है ये। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ये मेरे लिए। यहाँ देखता हूँ क्या है। तो मैं अब यहाँ से बाहर जाता हूँ, और बज रहे हैं 3, तो यहाँ से निकलने का प्लान बनाता हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो शायद अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ से मेन रोड पकड़ना होगा मुझे, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अंदर की तरफ है ये। तो दैट्स इट गाइस, आई विल मेक अ मूव फ्रॉम हियर, सी यू सून।